next speaker is mufti Abdul rashid qasmi mufti of kanpur vice president hak education research center kanpur he will speak on the main theme of this business session markazul maarif a revolutionary force for madrasa graduates rahim alhamdulillah दारालमूम देवबंद में जो हमारे इस ने जो फ़िक्र दी थी तसल्लुफीन की और जो खदशात थे शुरू में वो खदशात दूर हो गए शुरू में हमें याद है कि दिल्ली में हम लोगों को मना किया गया था कि तुम कंप्यूटर भी नहीं सीख सकते किसी जगह का कोई कोर्स भी नहीं कर सकते बल्कि डर यह था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तलबा हमारे यहाँ से निकल जाएँ चुनान जो इसी बुनियाद पर और इसी तसुर को ग़लत करने के लिए हमने अपना इंतब मदरसे के लिए किया इसीलिए मैं आपसे उर्दू इसलिए बोल रहा हूँ कि वो महारसत ख़त्म हो गई और हमने अपना इंतब मदरसे में जो पटकापुर पर है उसमें पढ़ाने के लिए किया और हमारे दोस्त मुफ्ती अबैदुल्ला साहब ने माशा इस मैदान में आगे बढ़े और जो फ़िक्र हमें देवबंद से मिली थी उस फिक्र के अंदर तस एक मुँह यानी जो बाल के बराबर भी कोई फ़र्क नहीं आया दीन तसल्लुफ़ फिल मसलक, मसलक के अतबार से वो मसलक हनफियत हो या मसलक देवबंदी हो देवबंदियत हो और कभी कभी हम लोग जब व्हाट्सएप पर कोई डिस्कस करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि उनके अंदर ज़्यादा दीन है या हमारे अंदर ज़्यादा दीन है यानी दोनों के अंदर माशाल्लाह जो उस लाइन में लगे हैं कॉलेज के लाइन में या दुनियावी लाइन में या जो मदरसे के लाइन में लगे अलहद ला वो फ़िक्र हमारे अंदर बाकी है दूसरी बात यह कि इस जरिए से जो एक कम्युनिकेशन गैप था मौलवी और मिस्टर का उसके अंदर बड़ी कमी हुई है और कानपुर जैसी जगह में हमने इसका इसको महसूस किया है कि वो मुस्लिम तंजीमें और जमातें जो शायद हमसे सलाम करना भी गवारा नहीं करती थी बहसीियत मौलवी होने के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी तनज़ीमें और जमातें वो हमको बुला, बुलाती हैं स्टेज उनका होता है ऑडियंस उनके होते हैं बात हमारी होती है फ़िक्र हमारी होती है मैं एक दो मिनट के अंदर अपने ख़ुद एक वाक़ सुनाऊँ आई आई टी कानपुर का बड़ा मशहूर है अलहमदिल्ला अट्ठारह साल से वो मुझे बुलाते हैं इस्पेशली रमज़ान में और इसके अलावा भी कि हम कैसे कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करें और कैसे हम इस्लाम को रिप्रेजेंट करें उन लोगों के अंदर जो आई आई टी में नॉन मुस्लिम से हैं जाहिर है कि वहाँ के आई में मुसलमान जो होते हैं वह हर मकत फ़िक्र के होते हैं लेकिन कैसे नॉन मुस्लिम से इस्लाम को रिप्रेजेंट करना है कैसे अपनी बात पहुँचाना है अल्हम्दुलिल्लाह, कई बार वहाँ जाना हुआ और तकरीबन 20 साल से कोई साल पाबंदी नहीं हुई नागा नहीं हुआ वो अलहमदिल्ला इस बंदे को बुलाते हैं और हम इसका क्रेडिट एम एम को देते हैं जो हमने यहाँ चंद दिन सीखा उसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई दूसरा एक वाक़ छोटा सा है जगह मैं अपनी गाड़ी बनवा रहा था वहाँ एक नॉन मुस्लिम कोई बहुत गुड फैमिली का था उससे थोड़ी सी बात होने लगी और बात तो बहुत लंबी हुई तकरीबन आधा घंटे की दो तरह के अनुमान थे एक तरह एक तो इस्लामी इस्लाम इस्लाम में पर्दा सिस्टम और दूसरा इस्लाम के अंदर जो सज़ाएँ हैं हमने जिस तरह बात की उसका आखिरी जुमला था मैं इस गुफ्तु में वक्त नहीं है उसने कहा कि आज मैंने पहली बार किसी एजुकेटेड मुस्लिम से मुलाकात हुई है वो नहीं जानता था मौलवी क्या होता है वो मुझे देख रहा था कि ये कोई मुसलमान है तो उसने कहा पढ़ा लिखा कोई मुसलमान से मुझे आज बात हुई है इसका क्रेडिट भी हम अपने हजरत को माँ बदल्दीन बदरुद्दीन अजमल साहब को और एम को देते हैं कि अगर हमने कुछ वो इंग्लिश ना पढ़ी होती तो हम शायद वो तर्जमानी ना कर सकते थे इस्लामी पर्दा के सिस्टम इस्लामी पर्दा जो हमारा निज़ाम है या जो हदूद और कहसास जो इस्लामी सज़ाएँ उस निज़ाम के तल्ल से आखिर में हमारे कुछ अहदाफ़ हैं उसकी तरफ हम रोशनी डाल दें एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बहुत से हमारे साथी हैं वो इस तरफ़ रुख कर रहे हैं लॉयर्स भी बन रहे हैं और शेख यूनुस साहब अलैहि रहमा ने एक बड़ी दर्द भरी एक सदा गोया बांदा के अंदर ये बात कही थी हम लोगों से कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमान बच्चे और ख़ुद हमारे मदारस के पढ़ने वाले वो लॉयर्स बने और डॉक्टर से बने इसकी भी तफसील की इस पस मंज़र में उन्होंने कहा था तो माशाल्लाह हमारे यहाँ डॉक्टर पी एच डी वाले तो बन रहे हैं हमारी तमन्ना तमन्नाएँ है कि हमारे साथी उस मैदान में भी आएँ और लॉयर्स बने और इसी तरीके से डॉक्टर में फिजिशियन बने सर्जन बने बिल्कुल आखिरी बात एक और हम कह के अपनी बात ख़त्म करते हैं वो ये कि आखिरी बात हमारी ये और हमारी तमन्ना ये है कि अब हम इन इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे और इसकी शुरुआत हमने कानपुर में पिछले साल होना था जो सी बी एस ई बोर्ड से है इंटर तक का जो हालात चल रहे हैं हमसे मख् नहीं है नाम इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा लेकिन फ़िक्रें हमारी होंगी इनशाला उसके लिए जगह भी ले ली गई है और इन इस साल शुरुआत होगा होगी इसका भी हम क्रेडिट हमारे जो मोहबदुरुद्दीन अजमल साहब हैं उनको और हम एम एम आर सी को देते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे थोड़ी देर गवारा किया सुनना और हम अपनी बातें आपके सामने शेयर कर सकें वाखुरुदावानदल रबी आलम